नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मेष लग्न के अंदर बुध ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं। मेष लग्न के अंदर बुध का कैसा प्रभाव होगा इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। 12 भाव होते हैं तो किसी ना किसी भाव के अंदर बुध जरूर होंगे, तो मेष लग्न के अंदर बुध किसी ना किसी भाव के अंदर जरूर बैठे होंगे, और किस भाव में बुध कैसा प्रभाव देंगे, कैसा उनका फल होगा इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंडीशंस हर ग्रह की कोई ना कोई डिग्री होती है, तो पहली कंडीशन आपको याद रखनी है डिग्री। हर ग्रह की डिग्री होती है 0 से 30 के बीच में। अगर अपनी फर्स्ट स्टेज यानी 0 से 1-2 बाल अवस्था या फिर मर्त अवस्था 27, 28, 29 यानी बाल अवस्था मर्त अवस्था में अगर ग्रह है तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, वो जो रिजल्ट होगा वो ना के बराबर देगा। दूसरा, दशा, जब जब बुध की दशा अंतर दशा होगी तभी आपको बुध ग्रह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दृष्टि, हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, बुध ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, यानी अगर बुध यहां पे बैठे हैं तो सातवें भाव को भी देखेंगे, वहां पे भी अपने रिजल्ट देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बुध ग्रह अगर लग्न में बैठे हैं तो देखिये यहां पे वो दिग्बली हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मेष लग्न के अंदर बुध मारक होते हैं, कारक नहीं, क्योंकि मेष लग्न के जो मालिक होते हैं वो मंगल होते हैं और मंगल के बुध अति शत्रु हैं। तो और इनको भाव भी जो मिले हैं, बुध की दो राशि होती हैं मिथुन और कन्या, तो ये भाव अच्छे नहीं है। जो तीसरा भाव है ये अति परिश्रम का है, और जो छठा भाव है ये रोग, ग्रीन, लंबी बीमारी, इन सब का भाव माना जाता है। तो ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते, छठा भाव तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इनके दुश्मनी भी है और इनको भाव भी अच्छा नहीं मिला, इसलिए बुध जो है ज्यादातर नकारात्मक फली देंगे। पर फिर भी जैसे भी रिजल्ट देंगे, जहां जहां पे अच्छे देंगे, आज तमाम चीजें मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो लग्न के अंदर अगर बुध हुए तो यहाँ पे ये है तो अपनी शत्रु राशि के अंदर, बट यहाँ पे ये दिग्बली हो जाते हैं। तो ऐसे में जातक बहुत बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध जो है ग्रह जो है वो बुद्धि के कारक माने जाते हैं। तो जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी होगा, और जातक जो है बिजनेसमैन होगा, और उसमें बोलने की बहुत कला होगी। पर क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि में है तो कुछ नकारात्मक फल भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में जातक बुद्धिमान तो होगा पर काफी कंफ्यूज भी होगा, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरे भाव के अंदर बुध अपनी मित्र राशि के अंदर थोड़े अच्छे रिजल्ट देंगे, ऐसे में जातक को धन लाभ भी हो सकता है, और उस क्योंकि ये यहां से परिवार का भी भाव माना जाता है तो जातक को परिवार से लगाव होगा और परिवार से फायदा भी होगा। जातक बहुत ही अच्छी बोली बोलने वाला होगा, क्योंकि बुध ग्रह बोलने के भी कारक माने जाते हैं। तीसरे भाव के अंदर बुध अपने खुद की राशि के अंदर अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये उनकी खुद की राशि है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जातक पराक्रम तो करेगा और उसे फल भी मिलेगा, पर जितना वो परिश्रम करेगा उसके हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सातवीं दृष्टि अपने नवम भाव पे, तो यहां से जातक को पैतृक संपत्ति में फायदा होगा और अपने पिता से प्यार होगा और धार्मिक किस्म का भी होगा। चौथे भाव के अंदर बुध यहां पे चौथे भाव के अंदर अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि के अंदर है, तो माता की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, माता से लड़ाई भी हो सकती है, और बुध की दशा अंतर दशा में मकान और वाहन या किसी भी चीज में जो सुख सुविधा की चीज हो उसमें दिक्कत देंगे। पांचवे भाव के अंदर बुध यहां पे ये जो पांचवी राशि सिंह राशि में बुध अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो यहां पे ये ऐसे में जातक बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाला होगा, अपनी पढ़ाई से अपनी बुद्धि से एक बहुत अच्छी रिजल्ट पैदा करेगा, यार दास्त भी बहुत अच्छी रहेगी, बट उसे लॉटरी में फायदा नहीं होगा क्योंकि लॉटरी का भी भाव है। छठे भाव के अंदर बुध ये उनकी खुद की राशि है, तो यहां पे ये भाव तो अच्छा नहीं है, पर यहां पे छठे में बुध जो है विपरीत राजयोग भी मनाते हैं, तो जातक को बीमारी कष्ट तो देखे जाएंगे पर कहीं ना कहीं उनका निपटारा भी देखा जाएगा। सातवें भाव के अंदर बुध अपनी मित्र राशि के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, ऐसे जातक को पत्नी का सुख मिलेगा, उसकी पत्नी बुद्धिमान भी होगी, और बुध की दृष्टि सातवीं अपने स्वयं के भाव पे, तो
जातक भी काफी बुद्धिमान होगा और ऐसे जातक को पार्टनरशिप से भी बहुत फायदा होता है। आठवें भाव के अंदर बुध बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे जातक आठवें भाव में बुध जो है वो बहुत दिक्कत देंगे। ऐसे जातक में एक बाधा शुरू ही दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। जातक को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। जातक को भी लंबी बीमारी और कहीं ना कहीं कर्जा, इन चीजों में भी बुध ग्रह की दशा अंतरदशा में इन चीजों में उलझना पड़ सकता है। नवम भाव के अंदर बुध, नवम भाव के अंदर बुध पिता से लाभ तो रहेगा पर थोड़ा मन मुटाव भी हो सकता है और लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ेगी और छोटे मन भाई बहनों से मन मुटाव हो सकता है। दशम भाव के अंदर बुध, ये इनकी मित्र राशि है, यहां पे रिजल्ट तो अच्छे देंगे और ऐसे जातक बिजनेसमैन भी होगा और बिजनेस को अच्छा भी करना, बिजनेस उनका अच्छा भी रहेगा, पर क्योंकि बुध को दो राशि भी मिली गई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी ऑब्स्टेकल भी देखे गए हैं, पर ऐसे जातक बिजनेसमैन होगा और उन्हें ज्यादातर बिजनेस में अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। ग्यारहवें भाव के अंदर बुध अपनी मित्र की राशि में, ऐसे जातक को लाभ तो होगा पर क्योंकि जो इनको राशि अच्छी नहीं मिली, अपने मित्र की तो राशि है पर क्योंकि ये मारक होते हैं तो लाभ तो होगा पर जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं होगा और अपने बड़े भाई से और मित्रों से भी मन मिटाव या धोखा हो सकता है। बारहवें भाव के अंदर बुध बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे पर क्योंकि उनको 6, 8, 12 इनमें अगर बुध बैठ जाए तो थोड़ा विपरीत राजयोग के भी चांसेस देखे गए हैं, तो ऐसे में जातक यहां पे बुध नीच का तो हो जाएगा बट क्योंकि 6, 8, 12 एक इसमें बुध अगर कहीं पे भी बैठ जाए और इनमें बुध की राशि हो तो थोड़ा अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं, पर ज्यादातर जातक को मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्चा होगा, कोर्ट कचहरी में भी देखा जा सकता है और मेडिकल एक्सपेंसिस पे खर्चा होगा और साथ ही साथ ऐसे में जातक को एक शत्रु और लंबी बीमारी भी देखी जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेष लग्न के अंदर बुध कैसा रिजल्ट देते हैं, ज्यादातर मैंने आपको इसको बताया, ज्यादातर मेष लग्न के अंदर बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे पर फिर भी वो कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं मैंने आपको वो सब चीजें बता दी। तो धन्यवाद मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।